क्वेश्चन नंबर 1.5 एनसीईआरटी का कह रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। जैसे कांच की छड़ को, ठीक है ना, ये कांच की छड़ है और जब आप इसको रगड़ते हो किससे, रेशम के कपड़े से, रेशम के कपड़े से, कह रहा है दोनों पर आवेश आ जाता है, ये भी चार्ज हो जाता है और ये भी चार्ज हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है इस परिघटना का वस्तुओं पर कह रहा है इस परिघटना का अन्य भी वस्तुओं के युग्मों के साथ प्रेक्षण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कांच की ही छड़ को रेशम से ही रगड़ें, किसी अन्य वस्तु को किसी अन्य वस्तुओं से भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कह रहा स्पष्ट कीजिए आवेश संरक्षण के नियम को, ठीक है ना, ये किस प्रकार से प्रतिपादित करता है, कहां से इस घटना में आवेश संरक्षण की पुष्टि होती है। आपको बता दें, रगड़ने से पूर्व, अगर आप ध्यान दें रगड़ने से पूर्व, तो रगड़ने से अगर पहले ध्यान दें तो कांच की छड़ पर भी आवेश जीरो था और रेशम के कपड़े पर भी आवेश जीरो था, तो कुल आवेश कितना था, जीरो था। और रगड़ने के पश्चात अगर आप ध्यान दें तो क्या हुआ, अगर इससे चार्ज निकलकर इसमें गया, ठीक है ना, एक छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें गया बेटा, रेशम के कपड़े में, तो अगर इससे यन इलेक्ट्रॉन निकलकर किसमें चले गए, रेशम के कपड़े में चले गए, तो इस पर क्या आ गया, इस पर यन इकाई धनावेश आ गया और इस पर उतना ही क्या आ गया, ऋणावेश। तो नेट चार्ज अब भी कितना है, जीरो है। यानी रगड़ने से पूर्व और रगड़ने के क्या बेटा, पश्चात दोनों वस्तुओं पर आप देख लें तो आवेश की मात्रा क्या है, समान है। यानी ना घटा आवेश की मात्रा और ना बढ़ा आवेश की मात्रा, हम कह सकते हैं इस तथ्य से आवेश संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि होती है।